बात करेंगे जोमैटो के बारे में। प्रीवियस क्लोज की तरफ सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी, 63 इसका प्रीवियस क्लोज था, लेकिन घटते घटते शुरुआत इसकी जब होती है तो लगभग आसपास से हुई थी। बहुत ज़्यादा सुंदर इसमें व्यापार हमको देखने को मिला नहीं है। शुरुआत में एक कटौती के साथ इसमें छोटा मीडियन इसने बनाने की कोशिश की और तुरंत इसको एक हार का सामना करते हुए नीचे आना पड़ा, और यहाँ से फिर बहुत ही कंफ्यूजन मामले में ये ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहाँ पे फ्लक्चुएशन एक क्रिएट हुआ, और यहीं से फिर इसका डाउनफॉल भी शुरू होता है, जहाँ पे ये पूरे अपने डाउन बॉटम लाइन को नहीं पकड़ना चाहता, फिर भी उसमें दो बार आप देख पाएंगे कि लगभग दो बार। तो यहाँ से भी आपको देखेगा कि दो बार यहाँ से अपर बॉटम का इसको सपोर्ट मिला, जहाँ से फिर इसमें एक उछाल थोड़े पल के लिए आया था, फिर ये नीचे गिरा। लेकिन फिलहाल मार्केट में करेक्शन इसके रिकवरी देखने को मिल रहा है जोमैटो का। बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न है कि जोमैटो में कब बढ़त होगी, तो बढ़त होगी, ज़रूर होगी, बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपको ये बढ़त बहुत आसानी से देखेगा। फिलहाल ये जो कम और ज़्यादा आप देख पाएंगे तो 58 से लेके 65 इसी नंबर के बीच में कंपनी बहुत ज़्यादा रूल आउट हो रहा है, कभी 58 से लेके 65 इसी नंबर पे कंपनी बस घूम रहा है कई महीनों से। इस कंपनी में आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए मैक्सिमम आप सिर्फ 70 रख सकते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए, एक से दो महीने के लिए, बस उसके बाद आपका समय बहुत अच्छा आ जाएगा। लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इसमें लंबे समय के लिए तो बहुत अच्छा निवेश का एक अंक यहाँ पर मौजूद दिख नहीं रहा है, फिर भी जैसे कि दिसंबर के बाद अच्छे नंबर इसके आ सकते हैं, उस हिसाब से भी आपका अगर 100 रुपये भी अगर रखते हैं आप अगले 3 साल के लिए तो भी आपके लिए शानदार नंबर ये साबित हो सकता है।